हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान बी 71 में। आज हमारी फ्यूचर एग्ज़ाम प्रेपरेशन सीरीज की क्लास रहेगी 4th। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी GOIT पोस्ट कोड 903 के लिए तथा क्लर्क एग्ज़ाम पोस्ट कोड 918 के लिए। पहले वाली 3 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो हमने जो है एक पेपर यहाँ पर शुरू किया हुआ है डिस्कस करना। इससे पहले आधे क्वेश्चन हमने पीछे वाली वीडियो में इसके डिस्कस कर दिए हैं और इस वीडियो में हम उस पेपर के HPG के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। 121 टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन HP, करेक्ट आंसर रहेगा ए, 37,033 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कोट और बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर रहेगा ए, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। 123 तुंधा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर रहेगा ए, चंबा। 124 देहार हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, करेक्ट आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। 125 रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर रहेगा सी, किन्नौर। 126 भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। आपने याद रखना है ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। 127 गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा डी, नन ऑफ दिस, ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति आपने याद रखना है। 128 रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, करेक्ट आंसर रहेगा डी, मंडी से। 129 गढ़कुफर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो गढ़कुफर झील है करेक्ट आंसर रहेगा ए, ये है शिमला में। 130 शिमला की यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, करेक्ट आंसर रहेगा डी, लॉर्ड एमहर्स्ट। हिमाचल प्रदेश की प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए JP सूचना तकनीक की यूनिवर्सिटी। 132 डलहौजी की स्थापना किस वर्ष में हुई है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो नहीं दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन था ही नहीं, इसके इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सभी को एक एक मार्क्स जो है वो मिला था जब ये पेपर हुआ था। तो आपने जो है ये याद रखना है कि डलहौजी की स्थापना हुई है 1854 में, और ये जो डलहौजी है आप सभी को ही पता होगा, ये है चंबा में, और इसकी स्थापना करने वाले भी कई बार पूछ लेते हैं कि डलहौजी की स्थापना किसने की है, तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने, तब इसका नाम जो है वो डलहौजी पड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 133 सिरमौरी ताल किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर रहेगा डी, पांवटा साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लोकप्रिय रूप से अंगूरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा डी, रिब्बा जो है वो अंगूरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 35 अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, मंडी में। 136 ठियोग राज्य की स्थापना किसने की, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, जयचंद ने। यहां से क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि कब जो है इसकी स्थापना की गई थी ठोक रियासत की, तो करेक्ट आंसर रहेगा उसके लिए 1667 में जो है वो ठोक रियासत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुरी सिंह म्यूजियम स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए एक मिनट 1908 में। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष में समाप्त हुई, 1963 में।
139 हिमाचल प्रदेश की उहुल 3 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? करेक्ट आंसर रहेगा ए HPSCB। करथी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये जो करथी है इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए कुल्लू। तो ये वाली जो है जीके आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, पहले करवाई वो भी आपके एग्जाम्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।